है व्हाट्सअप लवली पीपल, हाउ आर यू। आज की वीडियो में बात करेंगे कि इंस्टाग्राम की ड्राफ्टेड रील्स किस टाइप से डिलीट करें, मतलब ड्राफ्ट के फोल्डर में जो रील्स हम सेव कर चुके हैं उनको किस टाइप से डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है क्या, इसके इंस्टाग्राम पर हम 8, 10, 15, 20 वीडियो शूट करके अपनी ड्राफ्ट फोल्डर में सेव कर सकते हैं। फिर जब भी हमें ज़रूरत होती है ड्राफ्ट फोल्डर से कोई भी रील अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है इसके ड्राफ्ट में जो रील्स हम सेव कर देते हैं उनमें से अगर कोई रील्स डिलीट करनी है तो वहाँ पर डिलीट का ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा। हम किस टाइप से अपनी ड्राफ्ट की रील्स को डिलीट कर सकते हैं, मतलब अगर हमसे कोई वीडियो गलत शूट हो गई है, कोई गलत सेव हो गई है, तो उसको किस टाइप से डिलीट करें। सो बहुत सिंपल प्रोसेस है, 2 मिनट में आपको समझा दूंगा। जैसे कि आप लोग साइड में स्क्रीन देख सकते हैं, गाइस ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, मैंने उसको ओपन किया। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट है टैकराम के नाम से, आप लोग मुझे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर डेली न्यू पोस्ट करता रहता हूँ और वहाँ पर किसी भी पर्सन कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं तुरंत मैसेज करके उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ। सो अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सो बैक टू वर्क, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना रील्स का सेक्शन ओपन किया। ओपन करने के बाद ये मेरे ड्राफ्ट का फोल्डर है, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ सो ये मेरी सारी ड्राफ्टेड रील्स हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरी सारी रील्स हैं, मैं कभी भी इनको पोस्ट कर सकता हूँ। बात करते हैं कि इनको डिलीट किस टाइप से करेंगे। सपोज दैट मुझे इसमें से कुछ रील्स डिलीट करनी है तो यहाँ पर डिलीट का तो ऑप्शन शो ही नहीं हो रहा, आप लोग देख सकते हैं कहीं से कहीं तक कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा। सो डिलीट करने के लिए आपको ऊपर टॉप पर एक ऑप्शन देख लो होगा सिलेक्ट का, सो सिंपल आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने सिलेक्ट करने के ऑप्शन आ जाएंगे, आपको जो भी रील्स डिलीट करनी है उनको टच करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट मुझे ये 2 रील्स जो है वो डिलीट करनी है, मैं इन दोनों रील्स को वहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको डिस्कार्ड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सो डिस्कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यस करिएगा और ये रील्स आपकी डिलीट हो जाएंगी। सो इस स्टेप से बहुत ही सिंपल वेज में आप अपनी ड्राफ्टेड रील्स में से कोई भी रील्स को कभी भी डिलीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम से रिलेटेड इस टाइप की और वीडियोज देखना चाह रहे हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप की इंटरेस्टिंग एंड शॉर्ट वीडियोज में आपके लिए डे बाई डे लाता रहता हूँ। सो दैट्स नाउ फॉर टुडे, मैं मिलता हूँ फिर किसी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, ऑलवेज वर्क हार्ड बट नेवर गिव अप। लव यू ऑल।